चीते की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस अब भारत के कई ट्रेन रूट्स पर चलने लगी है। आए दिन यात्री वंदे भारत में अपनी यात्रा के वीडियोस डालते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि क्यों वंदे भारत बाकी ट्रेनों से अलग है? क्या है इस ट्रेन में जो इसे इंडिया की स्मार्टेस्ट ट्रेन बनाती है? ये कमाल है इस ट्रेन में लगे 15,000 चिप्स का। जी हाँ, चिप्स, खाने वाले नहीं, कंप्यूटर वाले। इसे लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बयान भी दिया था कि वंदे भारत कंप्यूटर ऑन व्हील्स है, यानी कि एक चलता फिरता कंप्यूटर है। अब आपको बता दें कि आखिर क्यों इस्तेमाल हुई है वंदे भारत में 15,000 चिप्स। नॉर्मल ट्रेन्स में एक सेंट्रलाइज्ड इंजन सिस्टम होता है जो कि ट्रेन के बाकी कोचेस को खींचता है, जबकि वंदे भारत में 50% कोचेस का अपना इंजन होता है। वंदे भारत में टोटल 16 कोचेस हैं, जिसमें 8 कोचेस सेल्फ प्रोपेल्ड हैं, यानी कि उनमें अपने इंजन सिस्टम लगे हैं। इसलिए जहां नॉर्मल ट्रेन में इंजन कंट्रोल करने के लिए 2,000 चिप्स यूज होते हैं, वहीं वंदे भारत में ये कई गुना ज़्यादा हो जाते हैं। वंदे भारत में इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम है जो कि आसपास के खतरे को भांपने पर खुद ब्रेक ले लेता है। इसके अलावा वंदे भारत में ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल, सेंसर्स, AC सिस्टम, GPS बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन जैसी कंप्यूटराइज सुविधाएं हैं। वंदे भारत का पूरा कंट्रोल TCMS यानी ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम से होता है। TCMS में ऐसे सेंसर्स लगे हैं जो ट्रेन के हर पार्ट पुर्जे के हेल्थ की जानकारी खुद इकट्ठा कर लेते हैं। इससे आने वाले खतरे को पहले ही टाला जा सकता है। ट्रेन के किस पुर्जे को किस वक्त मेंटेनेंस की ज़रूरत है, उसकी जानकारी भी ये सिस्टम ऑटोमेटिकली दे देता है। ट्रेन में AI सिस्टम के जरिए एनर्जी भी सेव की जा सकती है। मतलब वंदे भारत सही मायने में भारत का नाम ऊंचा कर रही है, इसलिए तो इसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि क्या इतनी बड़ी लागत से बनी ट्रेन भारत के सभी ट्रेन्स को रिप्लेस कर पाएगी, और अगर करेगी तो इसमें कितने साल लगेंगे। वैसे वंदे भारत ट्रेन को लेकर आपके क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।